आज हमारे पराठा हाउस में बन रहे हैं ये दूसरी तरह के पराठे, ये मूंग की दाल के पराठे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से आज हम इसे बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। साथ ही में बनाएंगे हम तड़के वाला बूंदी का रायता भी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा और श्रद्धा फूड गैलरी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे भी टच कर दीजिएगा। तो ये टेस्टी सा मूंग की दाल का पराठा बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 कप मूंग की दाल। इसे अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए हम गला देंगे गर्म पानी में। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसे गला सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 2 घंटे के लिए ही गलाया था, वो भी गर्म पानी में गलाया था, तो अच्छे से गल चुकी है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम आधी आधी दाल कर लेंगे, मतलब कि 1 कप यदि हमने दाल ली है तो उसकी आधी दाल का हम अच्छे सा महीन पेस्ट बना लेंगे और आधी दाल को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये मिक्सर ग्राइंडर में डाल ली है इसको, दाल को, और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके साथ में मैंने 4-5 ये हरी मिर्च कट करके रखी थी, उसमें से आधी मैंने इसमें डाली है और अच्छे से इसे पीस लिया है। तो ये इस तरह से एक पेस्ट हमें मिल जाएगा। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे सारे पेस्ट को, और ये जो हमने दाल बचा कर रखी थी उसका पानी निकाल देंगे और इसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने जो दाल पीसी नहीं है उस कारण से इसमें बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे गाजर। तो ये 1 गाजर को कद्दूकस कर लिया था मैंने, उसके साथ में हम डाल देंगे हरी मिर्च, तो आप इसमें दूसरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ में हम डाल देंगे हरा धनिया अच्छा सा बारीक कट करके। तो जो गाजर है उसकी जो स्वीटनेस है ये इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, तो ज़रूर से इसमें डालिएगा और इसे बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो ये मैंने हल्दी पाउडर डाला है, साथ में डालेंगे थोड़ा सा जीरा और साथ में भुना हुआ जीरा भी डालेंगे, और इसके साथ में डाल देंगे धनिया पाउडर, मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे और गरम मसाले डालेंगे। तो ये सारे मसाले आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके साथ में हम डालेंगे नमक और अच्छे से सभी मसालों के साथ में इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से इसे मिक्स करना है सारे मसालों को और ये मिक्सचर को। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, ये आधा नींबू का रस निकाल कर मैंने रखा था, और इसके साथ में 1 चम्मच शक्कर डालेंगे तो सारे टेस्ट को बैलेंस करेगी। उसके साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाला है अच्छा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे गेहूँ का आटा, तो ये 1 कटोरी गेहूँ का आटा, और साथ में 2 चम्मच मैंने बेसन डाला है। अभी हमने 1 कटोरी गेहूँ का आटा डाला है और लगेगा तो बाद में हम आधा कटोरी और गेहूं का आटा इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मोयन डाल देंगे 1 चम्मच जितना, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने आटा बाद में इसीलिए डाला है ताकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, तो पहले थोड़ा थोड़ा करके ही आटा हम इसमें मिक्स करेंगे। तो 1 कटोरी डाला है, अब हमें इसे थोड़ा सा गीला लग रहा है तो आधी कटोरी आटा और डालूंगी मैं इसमें, पहले से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें आधी कटोरी गेहूं का आटा और डाला है। अब सारे सामग्री को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इसका डो बनाएंगे। अब थोड़ा सा यदि पानी लगेगा तो हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी डाल सकते हैं। तो ये जार में जो हमने दाल पीसी थी उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाला है। तो एक सॉफ्ट डो इसका हम तैयार करेंगे। पानी पहले से नहीं डालें, नहीं तो ये आटा गीला हो जाएगा तो पराठे अच्छे से बनेंगे नहीं। तो ये इसको थोड़ा सा तेल डालकर ग्रीस कर लेंगे और आटे को थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए। तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं रायता। तो ये बूंदी का रायता मैं बना रही हूँ, इसके साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इस रायते का, बहुत टेस्टी लगता है। तो दही को अच्छे से फेंट लेंगे, एकदम फ्रेश दही लीजिएगा। तो इसके साथ में हम डाल देंगे काला नमक, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, और इसके साथ में थोड़ी सी मिर्च डाली है और 2 चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाली है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में, थोड़ा सा सादा नमक भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमने ये बूंदी का रायता बना रहे, तो बूंदी को मैंने पहले से पानी में गला कर रखा था 10 मिनट के लिए, और जब ये अच्छी सॉफ्ट हो जाए तो इसका पानी सारा निचोड़ कर हम इसमें डालेंगे। इस कारण से हमारा रायता एकदम रेडी हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा बूंदी को दही पीने में।
तो इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, अच्छा सा बारीक कट करके इसे भी मिक्स कर लेंगे इसमें। तो यह रायता इससे बहुत ही अच्छा दिखता है। और अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे, तो ये मैंने घी का तड़का लगाया है इसमें, आप चाहें तो तेल का लगा सकते हैं। इसको घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे हम राई और एक साबुत मिर्च। तो राई का जो रायता है वो राई के बिना अधूरा रहता है, इसीलिए इसे रायता भी कहा जाता है। तो राई का तड़का जरूर से लगाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर आप तड़का लगाना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें राई को थोड़े से हल्की दरदरी पीस कर इसमें डाल सकते हैं, इसी की इसकी तिखास बहुत अच्छी आती है इसमें। अब इधर हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, तो इसके हम लोये बना लेंगे और इसके हम अच्छे से पराठे बनाएंगे। तो एक लोया तोड़ लेंगे, छोटा या बड़ा आप जिस तरह से पराठे बनाना चाहते हैं उतना बड़ा लीजिएगा। तो इसे हम डस्ट कर लेंगे अच्छे से, बिल सके इसलिए, तो इसे बेलेंगे हम। और एक पतला या मोटा आप जैसा चाहे बना सकते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसे पतला ही बनाया है। बहुत ही अच्छा टेस्टी और कुरकुरा क्रंची भी लगता है, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से डस्ट करते हुए मैंने पराठे को अच्छे से बेल लिया है, बस इस तरह का बेलना है हमें। और ये पराठे की जो किनोर है इस तरह से दिख रही है। और यदि एक जैसा पराठा बनाना चाहते हैं आप, एक ही साइज के सभी पराठे बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से एक ढक्कन या फिर कोई भी कटर ले लीजिए। इस तरह का मैंने डब्बे का ढक्कन लिया है, तो इस तरह से हमारे जो पराठे हैं वो एक जैसे दिखेंगे, तो एक ही साइज के पराठे बनकर तैयार होंगे। तो 3 से 4 पराठे आप एक साथ बेल लीजिए। तो इस तरह से दूसरा पराठा भी मैंने बेल लिया है। 3-4 पराठे बनाकर एक साथ बेल कर रख लीजिए और फिर एक साथ आप इसे सेक सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी से अच्छे से काम भी हो जाएगा आपका, बहुत ही जल्दी ये पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से इसे मैंने कट कर लिया है और सारे पराठे मैंने बनाकर इस तरह से तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। और अब हम इसे सेकेंगे। तो हमने पहले से तवे को गर्म कर लिया था और इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और पराठे को उलट पुलट कर अच्छे से सेक लेंगे। और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ब्रश से मैंने ऑयल लगाया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही इसमें ऑयल लगाएंगे, पर दोनों तरफ लगाएंगे और अच्छे से इसे दबा दबा कर इस तरह से सेक लेंगे। तो अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सेकेंगे। और इसमें हमने जो मूंग की दाल को पीसा नहीं था, अक्खी रखी थी, तो वो बहुत ही अच्छी दिखती है इसमें और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम क्रंची। तो इस तरह से थोड़ी दाल को आप पीस के रखिए और थोड़ी दाल बिना पीसी रखिए, तो जो पीस कर रखते हैं उससे सॉफ्टनेस आती है और जो बिना पीसी हुई रखते हैं उससे बहुत ही अच्छा क्रंचीपन आता है। तो इस तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे, इस तरह से गोल्डन ब्राउन करके। तो ये सारे पराठे बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं और हमारा जो रायता है वो भी रेडी है। तो जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मुझे बताइएगा। और यदि मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।